शहर में एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्रवाई से खलबली मची हुई है। तीन संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद कई संदेही अब भी एनआईए के निशाने पर हैं। एनआईए की टीम ने घंटाघर में अधिवक्ता ए उस्मानी के घर से अलमारी में रखे 64 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए जब्ती की कार्रवाई की। इस मामले में उमती थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। माना जा रहा है कि मामले में आगे भी अहम खुलासे हो सकते हैं। जबलपुर में छापामार कार्रवाई करने आई एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम ने शहर के कई इलाकों में छापामार कार्रवाई करने के बाद यहां आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। तीन संदिग्धों को गिरफ्तार करने के अलावा ओमती घंटाघर निवासी एडवोकेट ए उस्मानी के घर से एनआईए ने 64 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। इस मामले में दिल्ली एनआईए की डिप्टी एसपी ने ओमती थाने में आर्म्स एक्ट की एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जाता है कि एडवोकेट उस्मानी के घर की आलमारी से एनआईए की टीम ने कारतूस बरामद किए थे। शुक्रवार को शहर पहुंची एनआईए की टीम ने शनिवार को भी शहर के कई इलाकों का भ्रमण किया। बताया जाता है कि अब भी कुछ संदेही एनआईए के निशाने पर हैं। वहीं दूसरी ओर जबलपुर से गिरफ्तार किए गए तीनों संदेहियों से भी रिमांड पर कड़ी पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है पूछताछ में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं।